फ्रीलांसिंग एजेंसी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? होता है एक सेल्स क्लोज करना। क्लाइंट के इतने सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसको हम कभी आंसर ही नहीं कर पाते हैं, सेल्स क्लोज ही नहीं होती है। आज मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस के आंसर बताने वाला हूं जिसको आप यूज करोगे और आपके क्लाइंट्स सारे क्लोज हो जाएंगे, आपको कभी भी सेल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्जेक्शन नंबर वन, देखो क्लाइंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट मुझसे सारे क्लाइंट्स पूछते हैं खास करके इंडिया में, क्या हमें एड्स रन करने के लिए हमें वेबसाइट चाहिए। देखो यहाँ पे क्लाइंट का कॉमन क्वेश्चन भी होता है और यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा सर्विस भी सेल कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो है लैंडिंग पेजेस सेल करने की, राइट। अब देखो बहुत सारे क्लाइंट्स को लगता है कि उनकी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक भेजेंगे तो वहां से ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगा, लीड्स आने लगेंगी, सेल्स आने लगेंगी। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो अगर आपको लीड जनरेशन करनी है तो आपको चाहिए एक लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज बेसिकली आपका सेल्स पेज होगा जहां पे हम कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखेंगे, जो प्रॉपर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन होगा। तो यहां पर आपको क्लाइंट को यह समझाना है कि आपको एड्स के लिए वेबसाइट नहीं चाहिए, आपको एड्स के लिए चाहिए एक प्रॉपर लैंडिंग पेज, एक ऐसा लैंडिंग पेज जो हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होगा। और आपके पास बहुत सारे लैंडिंग पेजेस होंगे, इनफैक्ट आप उनका एक कॉम्पिटिटर सर्च करिए, आप उनको क्या करिए गूगल पे सर्च करिए और उनको को दिखाइए, देखिए ये आपके कॉम्पिटिटर है, और उसमें से बहुत सारे लोग लैंडिंग पेज यूज कर रहे होंगे, आप उनको दिखाइए कि देखो ये बाकी लोग ना लैंडिंग पेजेस यूज कर रहे हैं और आपको भी लैंडिंग पेज यूज करना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है खास करके इंडियन क्लाइंट्स के साथ, क्या उनको वेबसाइट चाहिए एड्स रन करने के लिए। तो देखो फेसबुक पे तो लीड फॉर्म से भी काम चल जाता है, वहां वेबसाइट नहीं चाहिए, सिर्फ लैंडिंग पेज ही हो, ठीक है। आप लीड फॉर्म के थ्रू एड रन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम डीएम, इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक भेज सकते हो, बट अगर गूगल एड्स करने हैं तो आपको जरूर एक लैंडिंग पेज चाहिए और क्लाइंट को बोलो आप लैंडिंग पेज बनवाओ, वहां पे ट्रैफिक भेजो, रेदर देन आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट बनवाओ और वहां से ट्रैफिक कन्वर्ट हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन रहता है स्टार्टिंग में कितना एड बजट चाहिए। अब देखो स्टार्टिंग में एड बजट डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आपका क्लाइंट गूगल एड्स का है तो एड बजट आप इजिली डिफाइन कर सकते हो। एड बजट डिफाइन कैसे होगा, कैसे एड बजट बताया जाए, आपको क्या करना है क्लाइंट की जो भी सर्विसेज हैं जाके गूगल कीवर्ड्स प्लानर में जाके सर्च करनी है। गूगल कीवर्ड्स प्लानर में आप जाओगे, वहां सर्च करोगे, आप वहां पे देखो कीवर्ड्स की कितनी सीपीसी जा रही है, कॉस्ट पर क्लिक कितना जा रहा है, एक रुपए जा रहा है, दस रुपए जा रहा है। अब आप क्लाइंट से बोलो भाई अगर आपके एक कीवर्ड की दस रुपए कॉस्ट जा रही है और पांच दस कीवर्ड ले लो उसका एवरेज बना लो, फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड की कॉस्ट जा रही है एवरेज कॉस्ट 100 रुपीज है, तो आप बोलो कि अगर आपको एक लीड चाहिए तो कम से कम 10 क्लिक आनी चाहिए, 10 क्लिक आने के लिए आपको 1000 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कहीं एक लीड आएगी। सो कॉस्ट पर लीड कितनी हुई 1000 रुपीज। अब अगर आपको पर डे की दो या तीन लीड चाहिए तो आराम से आपका बजट 2000-3000 रुपए पर डे होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या होता है, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि क्लाइंट ना बहुत कम एड बजट लगाते हैं। अब कीवर्ड की सीपीसी जा रही है 500-600 रुपए जो कि रियल एस्टेट में कई बार जाती है, उस केस में क्लाइंट बजट ही 500-600 रुपए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीड आ ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कभी लीड्स ना आए, आपका सारा पैसा बर्न होता रहे धीमे धीमे, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं मेटा एड्स की बात करूं, फेसबुक एड्स की, तो वहां पे हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी कॉस्ट जाएगी, क्योंकि कई बार कॉस्ट डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस, ठीक है, आपकी लोकेशन पे, दूसरी चीज आपकी एड कॉपी पे कि आप किस तरह की एड कॉपी यूज कर रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग में क्लाइंट से बोलिए कि 1000-1500 या 2000 से हम स्टार्ट करेंगे इनिशियली फॉर अ वीक, हम समझेंगे कि लीड कॉस्ट क्या जा रही है, ठीक है। जो आपके लीड कॉस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उसको सेट करने के लिए हम एक हफ्ते का, दो हफ्ते का कैंपेन रन करेंगे और उसके बाद हम आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि आपकी कॉस्ट पर लीड क्या है और आपको कितना बजट चाहिए मेटा एड्स पे। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है क्लाइंट का, कितना एड बजट होना चाहिए। दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस ऑब्जेक्शन। तीसरा ऑब्जेक्शन होता है क्लाइंट का कि कितने दिन में रिजल्ट्स आएंगे। मतलब आपको ना स्टार्टिंग से सारी चीजें बतानी चाहिए कि कितना टाइम लगेगा रिजल्ट्स आने में। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं ना हर क्लाइंट से आते हैं, इवन ये हमारी सेल्स टीम है उनके पास हमेशा क्वेश्चंस आता है, जब मैं सेल्स करता था तो मुझे भी हर दिन यही सारे क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। क्लाइंट पूछता है कि भाई कितना टाइम लगेगा, आप मुझे कुछ अप्रॉक्स टाइम तो बता दो, एक महीना लगेगा, दो महीने लगेगा, कब तक रिजल्ट्स आएंगे। देखो ये तो सर्विस टू सर्विस डिपेंड करता है, कई बार एसईओ में 5-6 महीने लगते हैं, फेसबुक एड्स में कम टाइम लगता है, गूगल एड्स में हो सकता है और ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। बट आपको हमेशा क्लाइंट को ना 3 महीने का प्लान देना चाहिए, ठीक है, 3 महीने का, चाहे आपका एसईओ, चाहे गूगल एड्स हो, चाहे फेसबुक एड्स हो। होता है कि देखो मार्केटिंग को शॉर्ट टर्म गेम नहीं है कि आज लगाया और प्लग एंड प्ले किया, दो हफ्ते में रिजल्ट्स आ गए। आपको ये बोलना है कि भाई मेटा एड्स में ना 2 दिन में 3 दिन में भी लीड्स आने लगती हैं, बस
बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में टाइम लगता है, उसमें क्या होगा, आपके एड्स रन होंगे, एड अकाउंट ऑप्टिमाइज होगा, डेटा आएगा, आप और भी चीजें टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो खास करके होता है क्या, मेटा में 2-3 दिन में एड्स रन करने से लीड्स आने लगती है, गूगल एड्स में टाइम लगता है, कम से कम कैंपेन को 1-2 हफ्ते देने पड़ते हैं। वहीं पे अगर एसईओ में कॉम्पिटिशन कम है तो कम से कम 3 महीने, और कॉम्पिटिशन हाई है तो कम से कम 7-8 महीने भी लग जाते हैं। तो ये तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहा कि आपको कितने दिन में लीड्स आएंगी, बट अगर गूगल एड्स भी कोई रन कर रहा है, अगर कोई मेटा एड्स भी रन कर रहा है, तो उसको आप एक ऐसा माइंडसेट करो कि वो 3 महीने में ना अपनी परफॉर्मेंस को जज करे। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे क्लाइंट्स हमने ऐसे देखे हैं, वो 15-16 दिन पे ना बहुत इंपेशेंट हो जाते हैं, कहते लीड्स नहीं आ रही यार, लीड्स आ रही पर कन्वर्ट नहीं हो रही, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप उनका माइंडसेट फ्रेम करो कम से कम 3 महीने के लिए। तो आपको हमेशा बोलना है कि भाई आपको इतने दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट आपको एटलीस्ट इतना एक टाइम देना चाहिए सफिशियंट किसी एजेंसी को प्रॉपर सारी चीजें टेस्ट करने के लिए, बिडिंग स्ट्रेटजीज टेस्ट करने के लिए, बहुत सारी एड कॉपीज, कैंपेन स्ट्रक्चर टेस्ट करने के लिए आपको इतना टाइम देना चाहिए, तब आपका बिजनेस ना प्रॉफिटेबल होना दिखने लगेगा। और लास्ट का ऑब्जेक्शन, ये तो हर क्लाइंट के पास आता है, ये जो मैं लास्ट ऑब्जेक्शन आपको बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, और 99% फ्रीलांसर एजेंसी ओनर्स यही गलती करते हैं। क्लाइंट पूछता है भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो। देखो एज अ एजेंसी आप तो घर बैठ के अपना काम करते रहोगे, फ्रीलांसर हो आप घर बैठ के अपना काम करोगे, बट ये चीज क्लाइंट को कैसे पता चलेगी कि आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्लाइंट को नहीं पता। देखो इस चीज के लिए हम आंसर देते हैं कि भाई पहले तो ना हर क्लाइंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हमारी टीम कनेक्टेड रहती है, हर दिन टीम प्रॉपर आंसर लेती है क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। दूसरी चीज, हम हर क्लाइंट को वीकली रिपोर्ट देते हैं और मंथली रिपोर्ट देते हैं, ये हो गया रिपोर्टिंग का सिस्टम, राइट। दूसरा सिस्टम होता है कि जैसे क्लाइंट आता है उसकी एक ऑनबोर्डिंग कॉल होती है, फिर हम क्या करते हैं, एक 15 दिन पे जूम कॉल करते हैं और फिर 1 महीने पे कॉल करते हैं, ये तो फिक्स्ड रहता है। इसके बीच में कभी कोई ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम आई, कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम आई, कैंपेन्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि अक्सर होता है, नेचुरल है, उस केस में हम क्या करते हैं, अर्जेंट मीटिंग्स भी करते हैं। तो हम क्लाइंट का पहले से माइंड फ्रेम कर देते हैं कि जितना हम काम कर रहे हैं ना हम आपको बताएंगे, आपको ना हर दिन टीम कनेक्ट रहेगी आपसे, मतलब आपका आइसोलेशन नहीं फील होगा कि यार वो लोग क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। तो एक तो डेली बेस पे टीम कनेक्ट रहती है, अपडेट लेती है, दूसरी चीज क्या होता है, हम वीकली रिपोर्ट्स देते हैं, मंथली रिपोर्ट्स देते हैं, आप इस तरह से क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, बता सकते हो। देखो सेल्स के ऑब्जेक्शन बहुत सारे हैं, अभी हम बहुत सारे चला रहे, गूगल एड्स चल रहा है, फेसबुक एड्स चल रहा है, और हम प्लान कर रहे हैं कि सेल्स पे भी डेडिकेटेड कोर्स लाया जाए। अगर आप सब इंटरेस्टेड हो नीचे मुझे कमेंट में टाइप करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच। हे गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग आवर पेड कोर्स फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई। ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स है, उनके लिए जो लाइव उससे सीखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे होगी, कैसे करियर बनाना है, कैसे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख कर क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो, राइट। सो बहुत सारे लोग इंक्वायर कर रहे थे, बहुत सारे लोग कॉल मैसेज कर रहे थे कि कोई ऑनलाइन पेड कोर्स लॉन्च किया जाए, क्योंकि उनको स्पेशली सीखना था, पर्सनल उनको 1-to-1 कम्युनिकेट करना था, अपने डाउट्स पूछने थे। सो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स अपना यूट्यूब पे चल रहा है उससे कैसे डिफरेंट है। तो देखो पहली चीज़ तो बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स, बहुत सारी लाइव केस स्टडीज जो मैं अपने कम्युनिटी को दिखा सकता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ, जो हमारे क्लाइंट्स चल रहे हैं, वो सब कुछ उसमें कवर्ड है, थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे ना मैं खुद रहूँगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकता हूँ। हम लोग हर हफ्ते 2 बार मिलेंगे, आपके जितने भी आंसर्स हैं कि मैं सब कुछ आंसर करूँगा। इवन अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिलेटेड नहीं है, मैं उनको भी आंसर करूँगा। तो जो कि यूट्यूब पे नहीं हो पाता है, 1-on-1 कनेक्ट होना, आपके सारे क्वेरीज को आंसर करना, और आप कहाँ पे एग्जैक्टली फंसे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसका सोल्यूशन देना, राइट। क्योंकि लाइव क्लासेज हैं, 12th of July से स्टार्ट हो रही है, हमने प्राइसेस को 50% कम कर दिया, ठीक है। पहले हम इसको काफ़ी हाई प्राइस पे लॉन्च कर रहे थे, बट हमने सोचा कि ये क्लासेस सबके लिए होनी चाहिए, और जितने ज़्यादा लोग अटेंड करें उतना ज़्यादा अच्छा है, कि हर कोई सीखेगा। हमारा मेन गोल है कि ज़्यादा लोग सीखें और कम्युनिटी का इंप्रूव हो, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्स, ये कोई सेल्स वीडियो नहीं है, दिस इज जस्ट अनाउंसमेंट वीडियो टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्वायर करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही क्रिएट करते हैं। 12th of July से स्टार्ट होगी, हर फ्राइडे और सैटरडे क्लास होगी, 6 PM to 7 PM इवनिंग डेली क्लास होगी, राइट। तो एक फ्राइडे क्लास हर फ्राइडे और सैटरडे रहेगी, तो 2 महीने की कोर्स है, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्स, दिस इज लिंक एवरीथिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स हमारी टीम से आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी।